नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो गिरावट है डेफिनेटली आपको करोड़पति तो लखपति जरूर बना सकती है। तो मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स है, खासकर पैनी स्टॉक्स, आप चाहो तो उनको एक्युमुलेट करके चल सकते हो। और लाया हूं मैं तीन फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज, स्ट्रांग स्टॉक्स। तीनों जो स्टॉक्स है पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में कंपनी के जो बुक्स है वो काफी बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं कल या शाम तक अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा पैनी स्टॉक्स की, मतलब एक 9 रुपए का स्टॉक होगा, एक छोटा सा स्टॉक है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इनको भूल कर भी आपको नहीं बेचना। जितनी गिरावट होगी, मतलब मान के चलो कि मार्केट में करेक्शन आती है या क्रैश होता भी है समहाउ, ठीक है, मार्केट अगर बिलो 17,000 जाती है तो एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, कि अगर करेक्शन आती है या फिर क्रैश आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है अच्छे स्टॉक्स की तरफ। या तो वो लार्ज कैप हो सकते हैं या फिर कुछ अच्छे स्ट्रांग फंडामेंटल स्टॉक जो छोटे स्टॉक्स है। अब मर्जी आपकी कि आपको क्या चॉइस करना है। तो मैं लेके चलता हूँ सीधा पहले स्टॉक्स के नाम की तरफ, ये स्टॉक पर्सनली मुझे क्यों पसंद आते हैं जानने का प्रयास करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। अच्छा लगेगा तो लाइक पक्का करना ताकि ऐसे वीडियोस आपके लाता रहूँ हमेशा। तो यार दोस्तों, मेरी जो पैनी स्टॉक की लिस्ट में अच्छा स्ट्रॉन्ग बुक वाला जो स्टॉक है उसका नाम है सिमकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। एक फार्मा का स्टॉक है, मार्केट कैप आप देख सकते हो, बहुत काफी बेहतरीन मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी के बारे में अगर आप डीप रिसर्च करना चाहते हो तो वेबसाइट में जाकर देख लेना। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट को भी आपका काम करती है, मतलब वहाँ पर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करती है, राइट। काफी अच्छा स्टॉक था, एक टाइम में स्टॉक 1 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा था, आज 13 रुपए इसका हाई लगाने के बाद 9 रुपए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आरओसी की वैल्यू देखिए काफी अच्छी है, प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है और ऑलमोस्ट 6 महीने पहले स्टॉक डेट फ्री था। जी हाँ दोस्तों, ये डेट फ्री का फार्मा स्टॉक था। ठीक है, तो फार्मा का डेट फ्री स्टॉक था और आज देखिए स्टॉक कहाँ डेट इसका बढ़ चुका है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है इसलिए इसने मार्केट से डेट लिया है, जो काफी बेकार बात नहीं, काफी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी देखो ग्रो कब करेगी, जब वो लोन लेगी और लोन के ऊपर जब वो पैसा कमाएगी, आई मीन जो इन्वेस्टमेंट वो करेगी, जो वो सर्विस और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगी, उसके बाद उनको अच्छा खासा इनकम या प्रॉफिट जनरेट होगा, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा वो अपने डेट को चुकाने में करेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा मूव हम इसको बोल सकते हैं। कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है, कंपनी दिए भी है, मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स ना लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, 2.83% लास्ट क्वार्टर में हुई है एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो 22% CAGR है लास्ट 5 सालों में। बाकी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो 52 करोड़ की सेल्स हुई है, प्रॉफिट आप देखो 5 करोड़ का सितंबर में प्रॉफिट हुआ है, लास्ट क्वार्टर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखो कंपनी के नंबर्स तो औसम आ रहे लास्ट 10 सालों से, लेकिन एक टाइम था स्टॉक 1 रुपए ट्रेड कर रहा था, जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा और थोड़ा रिस्क लिया, आज वो बहुत अच्छा मुनाफे पे होंगे। हमने खुद स्टॉक को 3 रुपए के आसपास एक्युमुलेट किया था, लगातार हमने इसमें ट्रेडिंग भी करी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक मेरे पास अभी तक होल्ड करा हुआ, मैंने मैंने इसको बेचा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन्स मैंने ऑलरेडी बुक कर लिए। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स, 254 करोड़ का करंट टीटीएम है सेल्स, प्रॉफिट देखो 28 करोड़, लगातार कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत अभी यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आपको टेक्निकल पोर्शन देखना पड़ता है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस की, कि भैया कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से बिल्कुल ओके है, राइट। बैलेंस शीट आप देखो, रिजर्व ग्रो हो रहे हैं, साथ में डेट देखो 64 करोड़ का हो चुका है, जो पहले 2 करोड़ का हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपनी डेट फ्री थी, अभी अभी इन्होंने डेट बढ़ाया है। ठीक है, बाकी आप कैश भी देख सकते हो, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ का नेगेटिव कैश है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में 38 से 44% हो गई। ठीक है, और पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हो 54% के आसपास है। तो भाई आपके सामने है, पब्लिक की होल्डिंग डाउन हो रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी लगता है इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए, हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ग्रो कर रहा हो, प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हो। तो ये पहला स्टॉक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है, मैं आपको दिखला देता हूँ, ये रहा इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRFC इसको बोला जाता है, 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ROC की वैल्यू पॉजिटिव है
और साथ में आप देख सकते हो प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर बात करते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड तो भाई बहुत बेहतरीन है, 4% के आसपास का है। और साथ में देखो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 39% CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेप्टेम्बर में कंपनी की सेल्स 4600 करोड़ की है और 1500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और लगातार यही प्रॉफिट कंपनी दिखाने में लगी है। बाकी अगर आप बैलेंस शीट की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे पहले बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस। तो देखो ईयरली में कंपनी के जो प्रॉफिट्स है 5000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करंट ईटीएम में, ठीक है। उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि देखो समझने का प्रयास करना, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत लेट होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, लेकिन वो जब एक बार चलना स्टार्ट होते हैं तो वह बहुत फटाफट और बहुत तेजी से भागते हैं, शायद आपको मौका भी ना मिले स्टॉक को बाय करने का। पर इस कंपनी में थोड़ा दिक्कत क्या है, जो डेट है थोड़ा हाई है और कंपनी का काम इसी के ऊपर निर्भर करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात हमें नजर नहीं आती है। रिजर्व आप देख सकते हो पॉजिटिव लगता है, ग्रो हो रहे। बाकी कैश फ्लो 296 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 86 हो चुकी है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। और बहुत जल्द मुझे लगता है इसका ओएफएस भी आ सकता है, तो देखते हैं कि ओएफएस के माध्यम से कि एलआईजी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, क्योंकि इसका जो दूसरा भाई है आप बोल सकते हो, दूसरा जो पैनी स्टॉक है रेलवे का, वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, उसमें 27.50 रुपए के आसपास ओएफएस के माध्यम से एलआईसी ने ऑलमोस्ट 8% के आसपास का स्टेक बाय किया था। तो मैं यही कह रहा हूँ ओएफएस आ सकता है, ठीक है। डीआईसी होल्डिंग आप देख सकते हो 3% के आसपास है, साथ में पब्लिक की होल्डिंग 9% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ तीसरा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक स्टॉक, ठीक है। ये दो हो चुके हैं IRFC, अब तीसरा भी आपका रेलवे का स्टॉक है, ठीक है। अगर आप चाहो तो, अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसके अलावा आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट कर सकती हो, या फिर मैं क्या करूंगा एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपने खुद के कुछ स्टॉक्स, ये तो 3 महीने बनाए तो मैंने दे दिया आपके साथ, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी सस्ते में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, अभी आपको बतलाऊंगा, तो आप बने रह सकते हो। ये मतलब ये दो स्टॉक आपको फ्री में दे दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, आप उसको देख लेना, वो इससे भी सस्ते स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये कंपनी के प्रॉफिट आ रहे हैं, शायद उन कंपनी के नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन वो स्टॉक्स औसम स्टॉक है, ठीक है। तो चाहो तो आप उन स्टॉक को भी नजरों में रख सकते हो। तो रेल विकास निगम आप देख सकते हो सेम है, ठीक है, सिमिलर कॉपी है IRFC की, बस इसमें डेट नहीं है, ठीक है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड भी काफी बढ़िया है, ठीक है। वैधानिक तो आवश्यकता मुझे लगता नहीं पड़नी चाहिए स्टॉक में, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर हमने बात करी है, 44 रुपए का हाई लगाया, 34 रुपए ट्रेड कर रहा है, और 27.50 रुपए के आसपास आपका LIC ने बाय किया था, तो 21 रुपए का हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है। एंड जो टारगेट है एटलीस्ट 100 रुपए के टारगेट हमें देखने को मिलते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 100 रुपए के ऊपर, तो स्टॉक आपको 150-200 रुपए के टारगेट भी दिखा सकता है। बाकी क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हो, कंपनी के सेल्स ठीक ठाक है 4000 करोड़ की, और साथ में नेट प्रॉफिट देख सकते हो 279 करोड़ का है, जो लास्ट क्वार्टर में 232 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। तो कंपनी के नंबर्स ठीक है, इतने बेकार भी नहीं आ रहे। बाकी ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो देखो कंपनी के जो इस साल के प्रॉफिट है 1105 करोड़ का है, और लास्ट ईयर ये 922 करोड़ का, तो कंपनी के नंबर्स और प्रॉफिट तो काफी औसम और शानदार आ रहे हैं, इसमें आपको साफ स्क्रीन में दिख रहा होगा। बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो देखो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही लग रहे, ठीक है। जो कंपनी के रिजर्व है वो भी ग्रो हो रहे, साथ में जो डेट है मात्र 6000 करोड़ का डेट है। बाकी नीचे लेके चलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, देखो 78% आपके प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है, साथ में पब्लिक में आपका 12% के आसपास की होल्डिंग है, साथ में DIS की होल्डिंग मात्र 9%, जिसमें आपका LIC का बहुत ज्यादा पोर्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपके सामने है। बाकी ये 3 स्टॉक तो अच्छे मुझे लग रहे हैं, आप नजरों में रख सकते हो। बाकी एक स्टॉक आपको और बता देता हूँ, वो है यूको बैंक, तो चाहो तो इस स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो, 13 रुपए का स्टॉक है भैया, कंपनी के नंबर्स भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं आई थिंक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत जल्द आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है, अगर आप चाहो तो नजरों में रख सकते हो। 423 का करंट ईटीएम में प्रॉफिट हो चुका है, तो ये भी स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है, ठीक है। चाहो तो उसके ऊपर मैं शाम को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये 4 स्टॉक्स है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, चाहो तो उन 4 स्टॉक्स को नजर में रख सकती हो, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खुद की एक बार रिसर्च ऐड करना, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। बाकी मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।